हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस सेशन। और आज हम यहाँ पे पीसीएस एग्जामिनेशन में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अ टॉपर स्ट्रेटजी। ओके, पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे आज टॉपर स्ट्रेटजी के बारे में। अभी ये क्या है, सो लेट्स सी। सीनियर स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर पंजाब पीसीएस, बिकॉज लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ वो 2020 में हुआ था, ठीक है। 2020 में नोटिफिकेशन आई और फिर 2021 में उसका एग्ज़ाम होता है, राइट। और अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत ही यू नो एग्रेसिवली, अब तो एग्रेसिवली वर्ड यहाँ पे यूज़ करना आई थिंक सो उसकी सही रहेगा, राइट, वेट भी कर रहे हैं और इवन थोड़ा ऐसे फ्रस्ट्रेट भी हो रखे हैं कि यार मतलब पीसीएस की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है, राइट। बट हाँ, ये अब तो गवर्नमेंट ने हिंट भी दे दिया है ना गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर कि जो एग्ज़ाम है वो 2024 के अंदर हो रहा है आपका फाइनली, ठीक है जी। सो अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस तो होगा ही, राइट। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप कभी भी प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर लो। प्रिपरेशन का यहाँ पे रियल जो यू नो जो उसकी रियलिटी है प्रिपरेशन की, राइट, वो है कि आप सही टाइम पे करो, है ना। राइट टाइम, राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ठीक है जी। सो लेट्स डिस्कस अवर टॉपिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ का आज का जो टॉपिक है वो है टॉप फाइव सीक्रेट्स फ्रॉम द टॉपर्स। टॉप फाइव की बात करते हैं, क्या सीक्रेट है स्टूडेंट, ऐसा कौन सा सीक्रेट है टॉपर्स का जो उनको टॉपर बनाते हैं, राइट, कि वो टॉपर बन जाते हैं, ठीक है, टॉप कर जाते हैं। बहुत बार इवन आपने ना वीडियोस में सुना भी होगा, जैसे ना टीना डाबी का जब 2015 में सिलेक्शन हुई यूपीएससी में, तो जब उसको मीडिया वालों ने पूछा तो उसने बोला कि हाँ मेरे को पहले से ही पता था कि हाँ सिलेक्शन तो मेरी हो ही जाएगी, है ना। फिर ऐसे बहुत सारे पर्संस ने की स्टेटमेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे उनकी सिलेक्शन होती है तो जैसे उनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि हाँ ये तो पता ही था कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, है ना, इतना तो ट्रस्ट था ही, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था, बट हाँ हम टॉप कर जाएंगे ये थोड़ा सा डाउट है मैं, खास करके अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड रैंक आ जाती है तो, ठीक है। बट हाँ, कुछ सीक्रेट हैं स्टूडेंट उनके जो मुझे आज यहाँ पे रिवील करने हैं, राइट। सो बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट सीक्रेट की, क्या सीक्रेट है, पहला सीक्रेट एक टॉपर को टॉपर बनाता है, ठीक है। इसको डिस्कस करने का एक जो मुझे बेनिफिट नज़र आता है यहाँ पे ये है स्टूडेंट की, एक तो ये मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए, राइट। कोई चीज़ का सही टाइम पे पता लग जाना स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। जैसे मान लो आपने कोई प्लान बनाया, आपने कोई ट्रिप का प्लान बनाया, कुछ भी बनाया, और अगर आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है ना। बहुत सारा आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारा यू नो आपका जितना भी आपका यू नो जो भी आपकी प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से बन जाती है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे मतलब बहुत बार होता है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत सारी प्रिपरेशन की, कई सालों तक प्रिपरेशन की और फिर वो फेल हो गया एट द एंड, है ना, या उसने उसको क्विट कर दिया। तो जब आप उनसे बात करोगे कभी ना कभी, है ना, और जब भी आप कोई ऐसी बात बताओगे जो उनको पहले नहीं पता थी तो हमेशा बोलेंगे कि यार आई विश कि ये बात मुझे पहले पता होती, है ना, या ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं ये गलती नहीं करता। इवन आपकी लाइफ में भी बहुत बार होता होगा, ठीक है। तो जो सीक्रेट्स हैं टॉपर्स के, अगर वो आज ही आपको रिवील हो जाएं, आप जी आपको पता चल जाए, तो सोचो आपकी तैयारी का जो लेवल है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी अप्रोच है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा, कितना बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। सुसी की हम बात करते हैं तो पहले सीक्रेट की बात करते हैं, स्टिक टू द टाइम टेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कुछ लोग डिसिप्लिन का नाम भी देंगे, है ना, कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन भी कैसे, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है ना, कि डिसिप्लिन कैसे यार। तो स्टूडेंट टाइम टेबल, सी यार स्टूडेंट, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक टाइम टेबल सेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के पास 24 आवर हैं स्टूडेंट, सब के पास, जो टॉपर है उसके पास भी, लॉन मस्क है उसके पास भी, एक बैगर के पास भी 24 आवर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर है, आपके पास भी 24 आवर ही है, ठीक है।
इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू मैनेज यूर 24 आवर्स, राइट, हाउ यू मैनेज यूर डे, राइट. कुछ लोग होते हैं जो 18 घंटे पढ़ते हैं, कुछ होते हैं, कुछ बोलेंगे कि मैं 18 घंटे पढ़ती हूँ, या कुछ बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ती हूँ, कुछ बोलेंगे कि मैं तो 3 आवर ही पढ़ती हूँ, राइट. ये टोटली जो मैंने टाइम का बोला ना आपको, इसमें टोटल जो खेल है वो आपके टाइम टेबल का है, ठीक है, कि आपका टाइम टेबल क्या है. और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको. ऐसा टाइम टेबल तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए कि हाँ जी आपने एक जोश में आके यू नो अपने रूम के अंदर एक बड़ा सारा चार्ट लगाया, ठीक है, 3-4 कलर पेन लिए और उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि हाँ जी मैं इतने बजे उठूंगी, मैं इतना ये करूँगी, तब ये करूँगी, 7 से 30 ये. नहीं, वो बहुत ही बकवास टाइम टेबल है, ठीक है, पता नहीं उसको स्टूडेंट कैसे क्यों बना लेते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी जो टाइम टेबल होना चाहिए स्टूडेंट, वो होना चाहिए आपका स्टडी का, आपका स्टडी का, आपके टास्क का, ठीक है, कि आप दिन के अंदर कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, और रोज क्या रोज आप वही यू नो उतना ही पढ़ पा रहे हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल आज आपने बैठकर पॉलिटी के 5 चैप्टर रिवाइज किए, नेक्स्ट डे आपने एक ही किया, उससे नेक्स्ट डे आपने किया ही नहीं, है ना. आज आपने एक टेस्ट लगाया, कल आपने लगाया ही नहीं, परसों आपने 2 लगा लिए, नहीं, वो चीज़ नहीं है. मतलब एक टाइम टेबल के अंदर आपके एक कंसिस्टेंसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट मीन्स कि आप चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, राइट. लाइक अगर सिविल सर्विसेज की मैं बात करूँ, तो सिविल सर्विसेज में यू शुड नो, यू मस्ट नो कि हाँ जी मेरे को प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसको मुझे कितने मंथ तक लेके जाना है, कितने मंथ में मुझे उसको कवर कर देनी है, कितने टाइम मुझे मेंस की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइट, कितना टाइम मुझे अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, राइट, कितना टाइम मुझे टेस्ट लगाने हैं, कितने टाइम में मुझे कितने टेस्ट लगाने. फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 मंथ के अंदर 30 टेस्ट लगाने, तो ये आपका टास्क है, राइट, ये आपका टास्क है. कितने टाइम में मुझे कितनी रिवीजन करनी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की आपकी बुक है, राइट, आपने कहा कि मैं इसको 10 डेज में रिवाइज करूँगी, ठीक है, 10 डेज मेरे पास रिवीजन के है. फिर आपने जब सेकंड टाइम किया, फिर आपने 5 टाइम में उसको रिवाइज किया, आपने एक टास्क बना के सेट किया कि हाँ जी मुझे 5 दिन में इसको रिवाइज करना है, मुझे 10 दिन में इतना काम करना है. अगर आपको वो काम कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका टाइम टेबल बिल्कुल ठीक है, ठीक है. जो भी आपने टास्क लिया, दिन में आपको टेस्ट लगाना है, हाँ जी नेक्स्ट डे मुझे ये टेस्ट लगाना है, अगर उस टाइम टेबल के ऊपर आप स्टिक हो, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, यहाँ पे फ्रेशर हो, बिगनर हो, एक्सपीरियंस हो, इस पर मैंने पहले भी बात की है ना. तो उस तरीके से स्टूडेंट आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए. क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, हाँ जी, क्यूरियोसिटी टू स्टडी न्यू थिंग्स, राइट, ठीक है. ये स्टूडेंट कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है, या एसएससी के एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे आपने फैक्ट रट लिए तो काम हो गया, नहीं, ये एक सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा. तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हर रोज आपके सामने न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनके साथ आप कैसे डील करते हो, किस तरीके से स्टूडेंट्स आप यू नो न्यू थिंग्स को आप सीखते हो क्यूरियसिटी के साथ, राइट, तब जाके यू नो आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है स्टडी के अंदर. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, नहीं, एक क्यूरियसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू चीज़ों को समझना, उनको लर्न करने की आपके अंदर एक क्यूरियसिटी बिल्ड होनी चाहिए कि हाँ जी पॉलिटी कैसी है, ज्योग्राफी क्या चीज़ है, ज्योग्राफी इकॉनमी के साथ कैसे लिंक करती है ना, हमारी जो इकॉनमी है वो ज्योग्राफी से कैसे इंपैक्ट हो रही है, हमारी हिस्ट्री से हमें क्या सीखना है, राइट. तो हर एक सब्जेक्ट को आप बहुत ही क्यूरियसिटी के साथ जब आप पढ़ते हो, तब चीज़ों को आप बहुत ही कंसिस्टेंटली करते हो, राइट. जब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तभी तो आप उन चीज़ों को सीखोगे ना, राइट. तो एक क्यूरियसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कि हाँ जी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. एक वाई जो वर्ड है ना स्टूडेंट, वाई, ये आपके माइंड में 24 आवर चलता रहना चाहिए कि हाँ जी ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है वहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है, वहाँ पे आप क्या समझते हो, चीज़ों को किस तरीके से समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी. क्लियर है, आई होप कि आपको ये
लाइन क्लियर होगी। तो हमने दो यहाँ पे सीक्रेट देख लिए, पहला टाइम टेबल और दूसरा क्योरिटी। तो मूव करते हैं थर्ड पे, नोट्स मेकिंग स्किल। मे बी ये सबसे अंडर रेटिंग यू नो टॉपिक हो, आपको लगता होगा कि नहीं इस ये क्या, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ बता रही है मैम। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। जो आपके हैंडमेड नोट्स होते हैं ना स्टूडेंट, हैंडमेड नोट्स, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स जैसे हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते ना, वैसे ही आपका जो आपके हैंडमेड नोट्स होते हैं, जो आपने रिटर्न नोट्स बनाए होते हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ सकते कंसिस्टेंटली, आप बुक नहीं पढ़ सकते स्टूडेंट, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो टाइम टू टाइम, उनको बुक से पढ़ पढ़ के नई चीज़ों के साथ उसको अपडेट करते हो, राइट, वो होते हैं आपके रियल नोट्स, जो आपको रियलिटी में हेल्प करते हैं स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, आपके प्रीलिम्स को, मेंस को, राइट, उसमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और वो होता है स्टूडेंट आपका रियल कंटेंट, जिसको एग्जामिनर देख के इम्प्रेस होते हैं, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ जी बच्चे ने वाकई मेहनत की, राइट। और वो जो चीज़ है ना स्टूडेंट, वो ऐसे नहीं है कि आपने चुटकी बनाई और बन गए आपके नोट्स, नहीं, वो जो आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करती हो, कंसिस्टेंटली आप यू नो चीज़ों को लर्न करते रहती हो क्योरिटी के साथ, राइट, अपने नोट्स को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते हो, कभी उसमें फैक्ट रखते हो, कभी उसमें कोई कॉन्सेप्ट, कभी कोट को कुछ कुछ आप उसमें अपडेट करते रहते हो, फिर जो वो आपके नोट्स निकल कर आते हैं ना स्टूडेंट, वो आपको रियलिटी में हेल्प करते हैं। और फिर स्टूडेंट आपको किसी बुक की नीड नहीं है, कुछ पढ़ने की नीड नहीं है आपको, फिर सिर्फ और सिर्फ आप टोटली रिलाई कर सकते हो अपने नोट्स के ऊपर, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सीक्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलवेज इन सर्च ऑफ सॉल्यूशंस। जब आप एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो ना स्टूडेंट, तब आपके सामने लॉट्स ऑफ हर्डल तो आएंगे, ये बात आप मेरे से लिख लो, ठीक है, आप लिख लो इस बात को, हर्डल आएंगे लेकिन उनका सॉल्यूशन निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वांट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रही, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो उसके सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। जैसे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मुझे मेरा थॉट प्रोसेस बहुत वो था, स्लो था, राइट, मैं इतना सोच नहीं पाती थी, तब मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जब मैंने पढ़ने शुरू किए, धीरे 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 ग्रेजुअली मेरी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस डेवलप होती गई, है ना, मुझे न्यू आइडियाज़ मिलने शुरू हो गए कि हाँ जी यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये कोट किया जा सकता है, राइट। तो अपने तरीके से मैंने चीज़ों को समअप करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सोल्यूशन के सर्च में हमेशा रहना, ये बहुत ही एक बेस्ट क्वालिटी एक स्टूडेंट की, ओके। नेक्स्ट वन इज़ नो डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया की, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, टिकटॉक, ये वो, ठीक है। तो एक जो सिविल एस्पिरेंट होगा ना स्टूडेंट, उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, वो अपना करिकुलम बिल्कुल सेट करके रखेगा, ठीक है, जो भी उसका करिकुलम है उसको वो फॉलो करेगा, जो भी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको वो एक अलग से टाइम देगा कि हाँ जी मुझे दिन में एक घंटा खेलने के लिए जाना है या मुझे एक घंटा ये काम करना है, तो उसके लिए वो अलग से टाइम रखेगा। ये नहीं है कि हाँ जी एक घंटा पढ़ लिए, चलो जी अभी फटाफट रील्स देख लेते हैं थोड़ा टाइम, 5 मिनट बैठकर, है ना, नहीं, वो एटीट्यूड होता ही नहीं है उनमें, ठीक है। तो अगर है तो उस पर आप काम कीजिए स्टूडेंट, राइट। टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने टाइम की वैल्यू समझ लीजिए फिर उसकी वैल्यू टाइम ने भी समझ ली, ठीक है। तो अपना रुतबा ऐसा बनाइए स्टूडेंट, इतने इतना लाइफ में ऐसा कुछ कर जाओ स्टूडेंट कि लोग सोशल मीडिया पे आपको सर्च करें, ना कि आप सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को सर्च करो, ठीक है। तो मतलब अपने आप को टाइम दीजिए स्टूडेंट, ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का, राइट। यहाँ पे जो कर गया, जो जिसने जो बनना है, वही आपकी लाइफ टाइम आपका साथ देगा। सो बेटर है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो एक बार के लिए, कहीं नहीं जाने वाला, आपकी फेवरेट मूवी है वो वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है, उसको आप साल बाद भी देख सकते हो। आपका कोई फेवरेट शो है जिसमें आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे देखना ही देखना है, एक बार के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और ये सोचो कि एक साल बाद भी ये शो यही होगा, तो मैं इसको बाद में देख लूँगा या मैं देख लूँगी, ठीक है। फिलहाल आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, उसको आप टाइमली कंप्लीट कीजिए, ठीक है, यही आपका गोल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, टू मेक योर प्लानिंग, टू मेक योर राइट अप्रोच के लिए, ठीक है, टू मेक योर बेस्ट स्ट्रेटजी, बेटर स्ट्रेटजी के लिए, राइट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर कर रही हूँ यहाँ पे,
और एक चीज़ और, हमारा PCS का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 20th November. सो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज लाइव बैच. ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कम्फर्टेबल लेवल. ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.